अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसीब अहमद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाते हैं तंदूरी चाय, जिसे मटकी चाय भी कह लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सॉस पैन, ये एक मिट्टी का होना चाहिए बर्तन, और दो छोटी कुजियां, दो कप हम बनाएंगे। गुड़, ये होगी दालचीनी और सबल इलायची। चलें शुरू करते हैं, फिर आपको साथ साथ बताता हूँ पत्ती वगैरह। तो जिस तरह आप चाय बनती है उसकी तरह बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। लगा लेते हैं आग पहले। एक कप पानी, हाफ इसमें और डाल देंगे। डेढ़ कप पानी डालेंगे और पत्ती, दो चम्मच चाय के, और गुड़ जो आपको दिखाया था, और सबज इलायची। ये सारा कुछ इसमें डाल के उबाला आने दे रहे हैं। फिर इसके बाद दूध डालते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। ये अब इसमें दूध डालते हैं। कावा हमारा तकरीबन तैयार हो गया बिल्कुल। अब इसमें डालते हैं दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो कप इसमें दूध डालेंगे। अब इसको दो तीन उबाले आने तक पकने देंगे और इस पर ढकना थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ये चाय अब हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसको मटकी में डालते हैं ताकि इसमें मिट्टी की खुशबू भी आ जाए, और इसमें रखते हैं। चिमटी से इसको उठाएंगे। ये मटकी अब गरम है, इसको आपने किसी चिमटी वगैरह की मदद से उठा के एक पतीले वगैरह में रख लेना। अब इसमें डालेंगे चाय जो हमारी बनी पड़ी है। अच्छा, इस अगर आप कमर्शियल तौर पे ये काम करना चाहते हैं तो इन मटकियों को गर्म करके इनमें भी चाय डाल सकते हैं। वो इसके लिए वो एक कुजा नहीं चाहिए, इन मटकियों में भी चाय डाल सकती है। चलें आप पीते हैं, रखता हूँ आपको जायका। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े की। तो एक बार आप घर राजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, मिलते हैं नए व्लॉग में।